हेलो, वेलकम टू देसी डोम एफएम रेडियो जर्मनी। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं असद बेग साहब से। असद बेग जो हैं वो डॉयचे टेलीकॉम में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और बर्लिन में 2014 से मुकीम हैं। अस्सलाम वालेकुम। असद बेग जो है, इनका एक इंटरेस्टिंग जो है वो हॉबी है। उस इंटरेस्टिंग हॉबी के हवाले से जो है हम इनका इंट्रोडक्शन आज करेंगे, जो कि आई होप कि हमारी कम्युनिटी के लिए और अपने दूसरे साथी अहबाब जो बर्लिन में रहते हैं और इसी हॉबी से ताल्लुक रखते हैं या इस हॉबी को अपनाना चाहते हैं, तो आई होप ये उनके लिए इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा। तो बिफोर आई बिगिन, आप जो है बेसिकली हम आज क्रिकेट की बात करने जा रहे हैं। क्रिकेट जो है वो बचपन से अक्सर जो है वो क्रिकेट खेलते आए हैं। ऑफकोर्स ये आसान है कि अगर आप अपने बैक होम कंट्री में खेल रहे हैं क्रिकेट, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का आइडिया है, आपको फॉर्मेट का आइडिया है। लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री में होते हैं, स्पेशली हम आज बर्लिन की बात करेंगे कि बर्लिन में क्रिकेट आप कब से खेल रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिकेट के हवाले से अवेलेबल हैं। बर्लिन में 2015 के एंड से मैंने शुरू किया क्रिकेट खेलना, और ये ऐसे ही शुरू हुआ कि हम सबसे पहले वीकली खेलना शुरू किया। उसके बाद चलते चलते असल में सबसे बड़ी बात यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की है, और वीकेंड पे जो कि काम टाइम कम होता है, इसलिए फिर भी टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बंदे को थोड़ी सी मुश्किल होती है शुरू शुरू में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास कोई हॉबी आ जाए, आप उसको चाहते हैं उसको टाइम दें, तो फिर आप ना चाहते हुए भी टाइम निकाल देते हैं उसके लिए। बिल्कुल ऐसे, और ऐसे ही करते करते 2015 के एंड से हमने शुरू किया और आज 2018 है, तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं हम। और कभी कभी खेलने से लेकर फिर हमने रेगुलरली खेलना शुरू किया वीकेंड्स पे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर टीम बन चुकी है और हम एक टूर्नामेंट जीत चुके हैं बर्लिन में होने वाले हालिया दो टूर्नामेंट में से, और एक टूर्नामेंट में हम सेमीफाइनल तक पहुँचे। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी। सिर्फ वीकेंड पे हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, फिर भी हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम सेमीफाइनल तक पहुँचे। और हमारे मुकाबले में जो टीम थी वो ज़्यादातर वो लोग थे जो रेगुलरली क्रिकेट खेलते हैं, लाइक रोजाना के बेस पे। गुड, एक्सीलेंट। तो आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मौजूद हैं उन लोगों के लिए जो कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं बर्लिन में। और आपके ख्याल में कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से आया कि कुछ ग्रुप्स जो है दोस्त अहबाब मिल के खेल रहे हैं, या कोई क्लब्स अवेलेबल हैं, या कोई टूर्नामेंट जो है नेशनल गवर्नमेंट लेवल पे जो है उसकी सपोर्ट होती है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर? देखिए, दो चीज़ें हैं कि क्रिकेट का फॉर्मेट कौन सा है और क्रिकेट का लाइक आपका आपने कौन सी क्रिकेट खेली हुई है, हार्ड बॉल या टेनिस बॉल। तो अगर तो आप हार्ड बॉल खेलते रहे हैं तो उसके लिए जर्मन गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है इंडोच क्रिकेट बुन के नाम से, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्लब्स हैं और वो आप यानी कि नेशनल लेवल तक भी आप खेलने के लिए जा सकते हैं। अब हमारे जो क्रिकेट का वर्जन है ये टेप बॉल क्रिकेट फॉर्मेट है। तो टेप बॉल शुरू होती है यानी कि ग्रास रूट लेवल से, गली मोहल्ले से शुरू होती है। बिल्कुल, जब आपको याद होगा पाकिस्तान में जैसे हम शुरू करते थे, तो एक हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे हमारी एक और ग्रुप है भाइयों का, उन्होंने टेबल हॉफ एक यहाँ पे ग्राउंड है वहाँ में खेलना शुरू किया अपने तौर पे, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी ऐसी किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म के, टेप बॉल। तो उनको तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा आई थिंक, क्योंकि मैं तो तकरीबन 3-4 साल से हूँ। तो वो प्रॉपरली क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें फिर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें एक हमारा शौक देखते हुए, हमारा जज्बा देखते हुए हमें एक प्रॉपर क्लब प्रोवाइड किया, एक ग्राउंड प्रोवाइड किया जिसको वो खुद ही स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी फर्म स्पॉन्सर कर रही है। तो उस पर हम हर सैटरडे को खेलते हैं तकरीबन 6 से लेकर शाम 8 बजे तक। अच्छा, इंटरेस्टिंग जी। तो ये हमारा यानी कि आगाज था, आगाज हमने भी टेम्पल ऑफ ग्राउंड से किया कभी कभी क्रिकेट खेलने से। फिर एक दो टूर्नामेंट हुआ, उस टूर्नामेंट में हमने एज ए शौकिया ही एक हिस्सा लिया कि चले देखते हैं यहाँ पे सीन क्या है। तो शौकिया देखते देखते ये हम जीत गए,
जीतने से फिर हमारा हौसला और थोड़ा बढ़ गया कि हम लगा हमारे अंदर का थोड़ा पता चला कि हमारे अंदर कुछ है, टैलेंट है, मौजूद है, जिसकी वजह से हम जीते हैं। तो उसमें फिर हम इस तरफ लाया कि हम रेगुलरली क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। पहले हम कभी कभी खेलते थे, कभी शौकिया खेल लिए, कभी टाइम नहीं है, कभी टाइम है निकाल लिया तो खेल लिया। तो उसके बाद से फिर हमने रेगुलरली हर वीकेंड पे इकट्ठे होना और खेलना शुरू किया, प्रैक्टिस अपने प्रैक्टिस सेशन प्रॉपर करना शुरू कर दी। तो तब से हमारा ये सीन ऑन चल रहा है क्रिकेट का। थैंक यू असद, मेरे ख्याल में सुनने वालों को देखने वालों को कुछ आइडिया हुआ होगा कि यहाँ पे क्लब की अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं, जबकि अगर आप फ्री विल खेलना चाहते हैं तो टेम्पल ऑफ एक ऐसा ग्राउंड है जो कि आपको हमारा वक्त सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ जाके तो खेल सकते हैं। अच्छा, क्लब के हवाले से आपने बताया, तो क्लब के हवाले से हम मुझे क्या बेनिफिट्स हैं क्लब के साथ खेलने के, और आया कि कोई मेंबरशिप फ्री है या किस तरीके से उसका पार्ट बना जा सकता है, तो थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। चूँकि हमारे जिन दोस्तों ने हमारे लिए ये क्लब प्रोवाइड किया, जो ग्राउंड प्रोवाइड किया, उनका मेन मकसद ये था कि जो हमारे यंगस्टर्स खेलों के मैदान से दूर हैं वो खेलों के मैदान की तरफ राग हों। और शुरू से लेकर अब तक इसकी कोई फीस तो नहीं है, और जो तमाम अखराजात हैं वो भी खुद उठाते हैं, और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जाए, उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए, यंगस्टर्स को इस तरफ आएँ, बजाय ये कि वो सिर्फ सोफे पे बैठे रहें या सोते रहें या कुछ घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखते रहें। बिल्कुल, उससे बेहतर ये है कि मतलब वीकेंड पे उठे और कुछ ऐसा करे कि जो उसको मेंटली और फिजिकली फिट रखे। बिल्कुल, एक्सीलेंट। अच्छा, तो आपने बताया कि इवन के इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए एज सच कोई मेंबरशिप फी नहीं है, तो सो फार कोई मेंबरशिप फी नहीं है, तो आप लोगों में से वो दोस्त जो ज्वाइन करना चाहें क्लब को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं और एक अपनी रेगुलर एक्टिविटी जो है उसको बना सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि हर सैटरडे को शाम 6 से 9 बजे तक खेलते हैं। अच्छा, ये 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपने बताया, तो किस टाइप का फॉर्मेट है क्रिकेट का, तो किस तरीके से आया कि वही 20 ओवर या 50 ओवर वाली सिचुएशन है या रिलेटिवली डिफरेंट है? हम इसको फास्ट क्रिकेट फॉर्मेट बोलते हैं अपने, हम इसको 5 ओवर में रखते हैं और इसमें बहुत ज्यादातर हार्ड हिटिंग होती है। अच्छा, ओवर कम होते हैं, आपके पास लिमिटेड बॉल्स होती हैं, तो आपने आपके पास जो ज्यादा स्कोर अचीव करने के लिए आपको हार्ड हिटिंग करने पड़ती है। तो ये फास्ट क्रिकेट है, T20 से भी फास्ट है। अच्छा, देखा जाए बिल्कुल 5 ओवर में आप ज्यादा से ज्यादा 1 ओवर तक रोक के खेल सकते हैं, उसके बाद आप हार्ड हिटिंग करने पड़ती है। तो ये एक आपको ऐसा क्रिकेटर बना देती है कि जो हार्ड हिटिंग कर सकता है, एज ए बैट्समैन मैं बात करूंगा, और एज ए फास्ट बॉलर भी ऑफ कोर्स, अब आप हार्ड हिटिंग कर सकते हैं प्रेशर के माहौल में, तो आप समझे आप उससे बाद T20, उसके बाद 50 ओवर, उसके बाद आप कोई फॉर्मेट हो फास्ट क्रिकेट का, आप उसको इजीली उसमें जा खेल सकते हैं। ये समझे कि आपका एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेशन है, आपको यानी कि ज्यादा टाइम भी इसमें देना पड़ता है और आप थोड़े वक्त में ज्यादा सीखते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप बैट्समैन की बैटिंग को लर्न कर सके, बैटिंग स्टाइल को। ऑन द अदर हैंड बैट्समैन के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो बॉलर की जो है बॉलिंग स्टाइल को लर्न कर सके, फॉलो कर सके और बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर सके। तो यू हैव टू प्ले विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। एग्जैक्टली। और अगर जैसे अगर कोई न्यू कमर आता है, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई न्यू कमर है और उसका उसकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक कोच भी मौजूद है। अच्छा, क्लब की तरफ से, और वो खुद कम खेलते हैं, उनका ज्यादा फोकस होता है यंगस्टर को खिलाने पे। खुद तो उनकी अभी He's 35-40 years old approximately. तो वो उनका ज्यादा फोकस है कि अब जो मैंने सीखा, जो मेरे तजुर्बात हैं, मैं यंगस्टर्स को आगे उनके साथ शेयर करूँ ताकि उनके लिए फायदेमंद साबित हो। तो अब उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी मौजूद है, और यंगस्टर्स को, और जो फास्ट क्रिकेट का आदि नहीं है किसी तरह से खेली नहीं कभी, उनके लिए भी प्रॉपर एक ट्रेनिंग सेशन मौजूद है। उनको पूरा पूरा टाइम दिया जाता है और उनको पूरा पूरा मौका दिया जाता है कि अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। थैंक यू असद, हम इस सवाल पे बाद में आएंगे कि अब अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, वेबसाइट है या फेसबुक वगैरह पे ग्रुप है जिसके थ्रू ज्वाइन किया जा सकता है,
इस सवाल से पहले आपसे हम जानना चाहेंगे क्रिकेट के इटसेल्फ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। आप देखते हैं जर्मनी में कोई प्रॉस्पेक्ट्स हैं क्रिकेट के? जर्मनी में बहुत सारा प्रॉस्पेक्ट्स हैं। मेरे एक दोस्त थे, उसी तरह ही ग्राउंड लेवल से खेलना शुरू किया, ग्रास रूट लेवल से, तो खेलते खेलते वो आज होते हैं म्यूनचन ग्लाइडबाख में, और वो हम करीब जर्मन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड में होने वाले आईसीसी टीम में। एक्सीलेंट। तो अच्छा, वैसे सुनने भी नहीं आया, जर्मनी की टीम नेशनल टीम जो है वो कभी इंटरनेशनल मैचेस खेलती है? अभी इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। अच्छा, लेकिन यूरोपियन लेवल पे बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स जर्मन की टीम खेल चुकी है और जीत भी चुकी है। देखिए, हमें इस इंफॉर्मेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। असद साहब, थैंक यू, आपने शेयर की है इन्फॉर्मेशन, और डेफिनेटली आई होप कि इन द फ्यूचर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक क्रिकेट खेली जाएगी। नेशनल लेवल पर पहले ही खेली जा रही है और विद इन द यूरोप खेली जा रही है, ये आगे नेक्स्ट लेवल पे जो है वो खेली जा सकती है। बहुत ज्यादा मौके मौजूद है नेशनल लेवल पे जर्मन टीम को रिप्रेजेंट करने के, उसके लिए पूरी सहूलियात भी मुहैया की जा रही है। एक्सीलेंट। अच्छा चले, अब हम आपकी तरफ आते हैं कि अब अगर आया कि अगर मैं या कोई और मेरी तरह का साथी जो है इस क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, जिसका आपने फॉर्मेट भी बताया, फास्ट पेस में आप खेलते हैं, तो वो किस तरीके से खेल सकते हैं? आया कि हम करीब कोई ऐसा इवेंट है या कोई क्रिकेट मैच है जिसको मैं देखने आ सकूं या ज्वाइन कर सकूं? जी बिल्कुल, हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 1st of September को। इसमें हमने मुख्तलिफ टीम्स को इनवाइट किया है अपने ग्राउंड पे आने के लिए और खेलने के लिए, और हम प्रोवाइड करेंगे तमाम सहूलियात के साथ, किट से लेके और फ्री लंच भी अवेलेबल होगा थ्रू आउट द डे। तो ये हम एक ऐसा मौका देने जा रहे हैं उन टीमों को जो अभी तक मेन लेवल पे नहीं है और वो अपने स्किल्स को दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी टीम्स ऐसी हैं जो बर्लिन में खेलती हैं लेकिन इंडोर खेलते हैं, आउटडोर खेलते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं खेलते, टूर्नामेंट में कभी नहीं खेले। तो हम उनको एक मौका प्रोवाइड करने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो आएं और अपने स्किल्स को दिखाएं और साबित करें कि वो भी अपने टैलेंटेड हैं और वो कल को किसी मेन क्लब में या किसी बड़े क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। चलें, थैंक यू अर्शद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आई बिलीव के ब्रीफ से इन्फॉर्मेशन हमारे साथियों तक पहुंच गई है। लेकिन अब आपने हमें थोड़ा सा मजीद डिटेल बताएं कि अगर इस इवेंट को अब हम ज्वाइन करना चाहें, जो आप इवेंट प्लान कर रहे हैं, वो कहां से या कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए कौन सा तरीकाकार मौजूद है? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने एक इवेंट क्रिएट किया है, पाकिस्तानीज इन बर्लिन के नाम से हमारा ग्रुप है, उसके अंदर मैंने ये इवेंट क्रिएट किया है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पे अपनी पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड भी करा सकती हैं। वहाँ पे एक फॉर्म मौजूद है, आप उसको फिलअप करके अपनी पार्टिसिपेशन को कन्फर्म भी कर सकते हैं हमारे लिए। और जहाँ तक बात है क्लब को ज्वाइन करने की, तो उसके लिए सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है आपको आना पड़ता है क्लब में, आपको आके 2 दिन या 3 दिन अपनी दिखाना पड़ता है कि आप किस लेवल क्रिकेट खेल सकते हैं, यानी आपका लेवल कौन सा है, आप बिगिनर हैं या फिर आप इंटरमीडिएट हैं या फिर आप एडवांस्ड क्रिकेटर हैं। फिर उस लिहाज से फिर आपको टीम में लिया जाता है, ताकि क्योंकि क्लब में आप कोई भी प्लेयर को ज्वाइन करता है तो उस पर मेहनत करनी पड़ती है, और ये हो नहीं सकता कि सारी टीम आगे जा रही हो और कोई प्लेयर पीछे जा रहा हो, उसकी बिल्कुल प्रैक्टिस ना हो, उसकी बिल्कुल यानी कि उसको कोई सिखाया ना जा रहा हो। तो क्लब लेवल में ये है कि आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो उससे पहले अगर आप लाइक क्या कहेंगे यहाँ पे कि कुछ प्रैक्टिस करना चाहें या आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करना चाहें, आई थिंक ये जो इवेंट आप करवाने जा रहे हैं वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे वो अपनी गेम दिखा सकते हैं आप जाकर वहाँ पे, और वहाँ जाकर आप डायरेक्टली क्लब के प्लेटफॉर्म पे खेलेंगे आप। तो ये ग्राउंड किस जगह पे करके आया है? बर्लिन की रेंज में है, विद इन बर्लिन? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये चार्लोटनबर्ग के एरिया में है। अच्छा। और एक स्पोर्ट्स क्लब है डिफरेंट हमारे साथ, हॉकी का एक क्लब है, साथ में फुटबॉल का क्लब है, और ये जो क्लब जो हमने क्रिकेट के लिए यूज़ करते हैं ये भी बेसिकली एक फुटबॉल क्लब था, लेकिन इसको हमने हायर करके इसको क्रिकेट ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया है और ये ऐसे ही रहता है। चलिए, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच अर्शद भाई, आपकी तशरीफ आवरी का, हमें आपने ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन दी। आई बिलीव के बहुत सारे साथी जो वहाँ पे
हमारे लिसनर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको जरूर हेल्प मिलेगी और वो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे इस हवाले से। हम मजीद जो डिटेल्स जो है वो इस वीडियो की पोस्ट में और अपने रेडियो की ऑडियो स्ट्रीम में आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसको आप अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्किल मौजूद है या आपकी कोई ऐसी हॉबी है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ जो कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, हमें ज़रूर लिखिएगा info@desidhoom.com पे या हमारे फेसबुक पेज पे। बिफोर वी टेक अ ऑफिशियल गुड बाय, मे बी अर्शद आपको ये एक बात कहना चाहो अपने ऑडियंस से, लिसनर से, व्यूअर्स से। जी मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भरपूर तरीके से हमारे होने वाले इवेंट को ज्वाइन करें और आप हर तरह से वेलकम है हमारे इवेंट में आने के लिए। इस 1st of September 8 सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 9 बजे तक रहेगा और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस भी मिलें और हमारे लिए ये एक बहुत ही खुशी का बायस होगा। थैंक यू वेरी मच, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।